बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है, वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 मेक्स 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड 5.2 मेक्स 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा आपके पास वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। इन दोनों के दरमियान जो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बन रही है उनके आपने मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास 3.2 है और उसका एंगल 50 डिग्री है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5.2 है और इसका एंगल 110 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ। हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है यानी ए डॉट बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का जो है वो फॉर्मूला बनाया था, दैट ए डॉट बी हमारे पास ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। सही, ये जो एंगल है ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जिनका हम ले रहे हैं उनके दरमियान का एंगल है, यानी ए और बी के दरमियान का एंगल है। सही, अब दोबारा डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है वो ए वेक्टर का एंगल है, ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर का एंगल है। तो इन दोनों के दरमियान, बी और ए के दरमियान या ए और बी के दरमियान एंगल अगर हमें निकालना है तो 110 में से 50 को माइनस कर दूँ तो इन दोनों के दरमियान का एंगल आ जाएगा मेरे पास। सही, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू थीटा, जो कि हमारे पास कैसा आएगा, आप क्या करेंगे 110 में से 50 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ए से बी के दरमियान का एंगल आ जाएगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। 110 में से 50 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। सही, और ए डॉट बी की डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। सही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको गिवन किया गया है 3.2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको गिवन किया गया है 5.2, एंगल आपके पास जो है वो 60 डिग्री का है ए और बी के दरमियान। और अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 8.32 आ जाएगा। सही, अब बुक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि बुक के अंदर क्वेश्चन में 5.2 गिवन किया गया है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर 5.1 रखा गया है, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। सही, वही बात है, ए और बी के दरमियान एंगल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन किया गया है 3.2, बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन किया गया है 5.2, साइन 60 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ए डॉट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड, सॉरी ये डॉट आ गया, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 14.41 आ जाएगा। सही, आगे चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2.4 के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 2.4 की स्टेटमेंट है, शो दैट ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखें, ए डॉट बी का ये मेरे पास वैक्टर फॉर्म है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म को रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन दैम का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो वैसे ही है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ। सही, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों क्वांटिटीज़ में से आप जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि 1 की इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही,
तो फाइनली ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ गया हमारे पास, यानी हमने ये प्रूव करना था इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर भी आ गया। सही, ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 2.4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे 2.5 को। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।